और राइट दोस्तों, और आपने अभी तक अपने लिए कोई भी यहाँ पर 5G डिवाइस सिलेक्ट नहीं कर पाया है वो भी अंडर 15,000 में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो डिवाइस का सिलेक्शन है मैंने यहाँ पर खुद किया हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर डिवाइस का सिलेक्शन करता हूँ तो वो कितने खतरनाक होते हैं, तो ये सब आप पहले से जानते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जान लो कि अगर आपने यहाँ पर आज का वीडियो स्किप कर दिया तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने डिवाइस बताया हुआ है वो काफी रहने वाला है, पूरे तरीके से ऑलराउंडर रहने वाला है। तो चलते अपने यहाँ पर पहले डिवाइस की तरफ, जो कि रहने वाला है यहाँ पर पोको का M6 Pro 5G, और इसके यहाँ पर प्राइस देखी जाए तो यहाँ पर इसकी 14,000 रहने वाली है, एक्टिव प्राइस में बताऊँ तो इसकी रहने वाली है 13,999, और अगर आप कार्ड वगैरह अप्लाई कर देते हो यहाँ पर तो अपने प्राइस यहाँ पर 2,000 यहाँ पर और कम हो जाएगी, जो कि यहाँ पर इसकी इफेक्टिव प्राइस रहती है वो रहती है यहाँ पर 11,999। तो काफ़ी अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है डिवाइस के अंदर, और इसलिए यहाँ पर जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक दी हुई है, आप सभी तरीके से वहाँ से इसको परचेज करो, मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर एक तरीके से गूगल पर सर्च करो जहाँ पर आपको बेस्ट ऑफर देखने को मिले, आप सिंपल तरीके से यहाँ से स्पॉट्स में अपन परचेज कर सकते हो। फटाफट से इसके यहाँ पर स्पेक्स भी नहीं डाला है, वो रहता है यहाँ पर इसके अंदर आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 90Hz की रहने वाली है, इसके अंदर आपको खतरनाक यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन का यहाँ पर 4G यहाँ पर 2 रहने वाला है, इसके यहाँ पर जो बेस वेरिएंट रहती है वो यहाँ पर 4GB यहाँ पर 64GB यहाँ पर स्टोरेज के साथ देखने को मिलती है, और इसके ऊपर रियर कैमरा सेटअप है जो कि यहाँ पर 50+2 का है, और इसका जो सेल्फी कैमरा है जो कि 8MP का आपको देखने को मिलता है, और साथ साथ यहाँ पर इसकी बैटरी यहाँ पर काफी बड़ी रहने वाली है जो कि रहती है 5000mAh की, जो कि यहाँ पर चार्ज करेगी यहाँ पर 18W यहाँ पर फास्ट चार्जर के साथ, और इसके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है जो कि बेस्ड होता है यहाँ पर MIUI 14 में, और ये डिवाइस उन लोगों के लिए है जो लोगों को यहाँ पर एक तरीके से सारे यहाँ पर बेसिक्स यहाँ पर टास्क करने अपने डिवाइस के अंदर, तो इस डिवाइस के साथ आप जा सकते हो कि इसके अंदर आपको यहाँ पर अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो यहाँ पर पीपल की यहाँ पर जरूर नीड होती है, और इसके अंदर प्रोसेसर भी है जो कि यहाँ पर बेसिक से यहाँ पर आपको गेम भी यहाँ पर खेलने में मदद कर देगा, क्योंकि आप एक तरीके से यहाँ पर बेसिक सी सेटिंग्स पे आप यहाँ पर BGMI और न्यू स्टोर भी आप सिंपली तरीके से रन कर पाओगे। और फटाफट से चलते हैं अपने दूसरे डिवाइस की ओर जो कि रहता है यहाँ पर वीवो का T2X 5G, ये भी यहाँ पर एक बेसिक सा डिवाइस है जिसके अंदर आपको यहाँ पर LCD पैनल के साथ साथ आपको 60Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और MediaTek के यहाँ पर Dimensity यहाँ पर 6020 प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर इसका जो बेस वेरियंट रहता है वो यहाँ पर 4GB+128GB है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपग्रेड देखने को मिलेगा यहाँ पर पोको के M6 से, क्योंकि इसके अंदर आपको बेस वेरियंट में आपको 64GB देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर 13999 में, लेकिन इसके अंदर आपको 12999 में ही आपको यहाँ पर 128GB का सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसका जो कैमरा रहेगा वो यहाँ पर सिमिलर देखने को मिलता है जिसके अंदर 50+2+8 का यहाँ पर सेल्फी कैमरा रहेगा, और इसके अंदर यहाँ पर 5000mAh के यहाँ पर 18W चार्जर के साथ आपको देखने को मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्ले का अंतर है, बल्कि यहाँ पर आपको काफी अच्छा पैकेज देखने को मिलेगा वो भी आपको अंडर 13,000 में, इसके यहाँ पर इफेक्टिव प्राइस में बताऊँ वो रहती है यहाँ पर 2,000 और कम कर दीजिए तो आपको यहाँ पर 10999 में आपको देखने को मिलता है, और अगर आप यहाँ पर किसी ऑफर में इस डिवाइस को परचेस करते हो तो हो सकता है आप इसकी डिवाइस और प्राइस डाउन हो जाए, तो सिंपल तरीके से आपको भी यहाँ पर बेसिक टास्क परफॉर्म करने हैं अपने डिवाइस के अंदर, तो आप सिंपल तरीके से इस डिवाइस की ओर जा सकते हो। और यहाँ पर अपने तीसरे डिवाइस के ऊपर डालते हैं जो कि रहता है यहाँ पर इन्फिनिक्स का Note 30 5G, और इन्फिनिक्स का नाम सुनकर आप ऐसा मत सोचिए काफी यहाँ पर बुरा डिवाइस रहने वाला है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बार यहाँ पर इन्फिनिक्स ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया हुआ है जिसके अंदर आपको 120Hz के यहाँ पर रिफ्रेश रेट के साथ यहाँ पर आपको 6.78 के यहाँ पर बड़ी यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर Dimensity के यहाँ पर 6080 प्रोसेसर के यहाँ पर पावर देखने को मिलती है, और इसके अंदर कैमरे की बात करूँ ना वो रहता है यहाँ पर 108MP का जो यहाँ पर काफी खतरनाक रहने वाला है, 16MP के यहाँ पर आपको सेल्फी देखने को मिलेगी, और इसके अंदर चार्जर काफी यहाँ पर फास्ट रहने वाला है जो कि यहाँ पर आपको 45W का रहने वाला है, जो कि यहाँ पर आपको बैटरी है जो कि 5000mAh की बैटरी को चार्ज करने में अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ पर 1.5 घंटे ले लेंगे, जो कि यहाँ पर 0-100 आपका चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी जो कि रहते हैं यहाँ पर 14999, और इसके अंदर आपको यहाँ पर बैंक ऑफर अगर अप्लाई कर देते हो तो आपको यहाँ पर 3000 और डाउन हो जाएगी, जिसकी यहाँ पर इफेक्टिव प्राइस रहती है वो रहती है 11999, लेकिन इसके अंदर आपको बैंक यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अप्लाई करना होता है अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी में चाहिए तो आपको 14999 यहाँ पर पे करने होंगे इस डिवाइस के लिए। तो फटाफट से चलते हैं अपने यहाँ पर चौथे डिवाइस के ऊपर जो कि रहता है यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर सैमसंग लवर्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पर 6.6 इंच की यहाँ पर LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको 90Hz के यहाँ पर रिफ्रेश रेट जो कि यहाँ पर Exynos के यहाँ पर 1330 के साथ आपको देखने को मिलता है, इसके यहाँ पर जो बेस वेरिएंट है जो 4GB 128GB के साथ देखने को मिलेगा, और इसके यहाँ पर जो कैमरे की बात करें तो इसके अंदर 50+2 का है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और
और बस मैंने बताया उनके यहाँ पर उससे सिमिलरली कैमरा देखने को मिलेगा ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और सैमसंग यहाँ पर कैमरे कितने अच्छे होते हैं ये तो आप यहाँ पर पहले से जानते ही होंगे। और इसके यहाँ पर सेल्फी कैमरा रहती है जो कि 30 MP के साथ आपको देखने को मिलती है। सबसे इसके अंदर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और जितने भी मैंने यहाँ पर डिवाइस बताया और यहाँ मैं बताने वाला हूँ उनमें से इस डिवाइस की सबसे बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है इस डिवाइस के अंदर। इसके अंदर चार्जर भले स्लो हो 25 वाट का हो लेकिन उसके अंदर आपको 2 दिन से ज्यादा कहाँ पर बैकअप देती है। और अगर आपको बैटरी के लिए इस डिवाइस को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर इस डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हो। और एक खास चीज मैं बताऊँ ना सैमसंग की 4 रहती है यहाँ पर इसके अंदर नॉक्स सिक्योरिटी का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है जिस वजह से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हैकर हो उस डिवाइस को यहाँ पर क्लियर हैक नहीं कर सकता है। उसके अंदर परमिशन होती है यहाँ पर चाइनीज यहाँ पर ब्रांड विस्ट यहाँ पर लेते हैं तो इसके अंदर आपको इस सारी यहाँ पर चीजें देखने को नहीं मिलती है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। उसकी प्राइस में बताऊँ बोल रहे थे यहाँ पर 990 और इसके यहाँ पर इफेक्टिव प्राइस बताऊँ जो कि यहाँ पर 2000 और कम कर दीजिए तो इसके यहाँ पर 10,990 आपको अगर प्राइस देखने को मिलती है। ये काफी अच्छा पैकेज देखने को मिलता है यहाँ पर सैमसंग लवर्स के लिए। और मैं जो खतरनाक डिवाइस की बात कर रहा था ना वो रहता है यहाँ पर पोको का X5 का 5G जो यहाँ पर काफी खतरनाक साथ साथ आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता है। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो बड़ी है यहाँ पर डिस्प्ले जो कि यहाँ पर है 6.67 की और यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो यहाँ पर काफी यहाँ पर खतरनाक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके यहाँ पर जो बेस वेरियंट की बात करते हैं जो कि रहता है यहाँ पर 6GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिलती है। और इसके जो रियर कैमरा का सेटअप है वो पर 48 MP प्लस 8+2 का पर देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको सेल्फी यहाँ पर देखने को मिलती है वो 30 MP पर देखने को मिलती है। और उसकी 5000mAh की बैटरी और 33W यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलती है। और उसके जो ऑल ओवर पैकेज है आपको 14999 देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर इसे बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हो तो आपके यहाँ पर 3000 रुपये और प्राइस यहाँ पर कम हो जाती है जो कि यहाँ पर रहती है 11999 की। तो यहाँ पर काफी अच्छा पैकेज देखने को मिलता है। अगर आप इसको एक्सचेंज करते हो तो आपके अंदर आपका थोड़ी सी और प्राइस यहाँ पर कम हो जाती है। तो ये थे हमारे 5 डिवाइस। आई होप इनमें से आपको कोई भी डिवाइस अच्छा लगा हो सिंपली इन तरीके से आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट यहाँ पर इनको कीजिए और उनको आप सिंपल तरीके से परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर इसको गूगल पे यहाँ पर कंपेयर करना बिल्कुल यहाँ पर मत भूलना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल फॉर से लाइक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।